नहीं भाई, असल में ये है ना, देखिए आलिम दीन फोन नहीं उठा रहे हैं तो भाई इसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। अब उनका फोन, असल में ये है ना भाई, आलिम दीन का नंबर इतना मतलब भाई वो लोगों के पास फैल गया है, मुकल्लिदों के पास, कि वो पता नहीं कितने हजारों लोग उनको दिन भर फोन करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। इसलिए बेचारे अच्छा उनके चक्कर में भाई वो अपने भाइयों का भी फोन नहीं उठा पाते हैं, आप समझ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल हाँ अब भाई उनको क्या मालूम कि आप भाई वाकई अहले हदीस हो कि नहीं, ठीक है। हाँ। तो या नहीं तो वो बात सही है, वो बात सही है आपकी। भाई इसी चक्कर में अगर हमें कोई चीज पूछना होता है तो हम कम से कम 10-15 दिन फोन करते हैं, और अगर एक बार गलती से अगर उठ जाता है तो फिर मेरी हाँ बात हो पाती है। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं एक बार में फोन करता हूँ मेरा उठा लेते हैं? ऐसा नहीं है, मेरा भी नंबर सेव नहीं, नहीं है किसी के पास। वही बता रहे हैं। अगर वो बात तो हम समझ नहीं चलिए, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, मतलब बड़े ऊंचे औहदे पे फोन वो करते हैं, मतलब एक तकरीर करते हैं, असल में तो ये ना उसकी भाई, वजह से इन उसको लोगों का पचास जानने सारा वाले टाइम, हैं। इन लोगों का सारा टाइम जो जाता है वो या तो भाई वो तकरीर में जाता है या तो भाई वो स्टडी में जाता है, आप समझ रहे हैं। उनके पास जी इतना टाइम नहीं है कि वो लोगों से सवाल जवाब करें फोन पे, ये सब भाई वो इतनी मतलब जी भाई वो पढ़ाई करते रहते हैं दिन भर, पता नहीं दुनिया भर की भाई वो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई वो 5 टाइम की नमाज है, और उनको अपनी भी फैमिली देखना है और अपना भी कारोबार देखना है और अपनी तकरीरें भी देखना है। तो बेचारे देखिए हमारे आलमी दिन हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं भाई, वो बयान दे रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, अब जो हमें सीखना है हम सीख लें भाई। जो बात भाई वो मतलब वो नहीं समझ में आ रही है तो जो हमारे आसपास एरिया के आलिम दीन है हम उनसे एक बार कंफर्म कर लें कि देखिए ये वीडियो में अबू जर जमील साहब ने ऐसा कहा है या फैज सैयद ने ऐसा कहा है, क्या ये बात मतलब सही है, और सही है तो मतलब कैसे सही है, क्या इसका मानना है, तो ये हम उनसे हाँ, पूछ तो सकते हैं। यही वीडियो के चक्कर में उनकी बातें, दो बात मतलब अबू जहल जमीर की और बातें सब समझ आई। एक तो वो जो उन्होंने दो बयानात किए, उनसे ये सवाल हमें उन्हीं से पूछना है कि आपने जो कहा कि दिन 6 जायद तकबीरों के साथ दिन बकरीद या ईद की नमाज पढ़ सकते हो, इसको अपनी शेख नासिर अल्बानी की सहिया वाली बात इन्होंने कहा कि उन्होंने नकल किया। एक ये बात पूछना है, एक यजीद बिन यजीद रहमाउल्लाह के बारे में पूछना है कि उन्होंने भी कहा कि दैनिक बुखारी की हदीस, और लोग जैसे उमर सिद्दीक है, जुबैर अली जई है, ये लोग इस बात को नहीं मानते हैं। तो मैं उनसे अगर आपका हो जाता, उनसे बात हो जाती, तो दिल को एक तसल्ली हो जाती कि जी हाँ, ये लोग हमसे ज्यादा बेहतर, हमसे ज्यादा समझ रखते हैं, तारीख पे अच्छी नजर रखते हैं। तो अब इनकी भाई बातें कुछ क्या ज्यादा बता ही सकते हैं हमको भाई, समझ में आती है। फोन हम क्योंकि हमें उर्दू पे तो महारत है ही नहीं, मुझे तो इंग्लिश में महारत, उर्दू तो महारत है नहीं कि मैं उर्दू पढ़ लूँ तो मुझे समझ में आए, मुझे जरा सा भी उर्दू नहीं आती है। तो मेरे ये आलिम जो है, कम से कम इनसे एक बार रब्ता हो जाएगा तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये बात सही है। मैं ये नहीं चाहता कि क्यामत के दिन मेरी पकड़ हो, कि मैं कोई बगैर दलील की कोई बात ऐसी कोई आलिम के सुन के उस पर अमल कर लूँ, ये मैं नहीं चाहता, ये मेरा अकीदा भी नहीं है। मैं कोई भी अगर बात कोई वो अपना ही आलिम हो, उसकी एक बार तकरीर सुनने के बाद उस पर दलील मतलब तहकी भी करता हूँ। नहीं नहीं सही बात है, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। देखिए भाई अब अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ भाई वो खोना भी पड़ेगा ना। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी भाई उनसे बात हो जाए, मसला पूछ लें, तो हम आप उनको डेली जब खाली मतलब भाई वो हो एक दो बार फोन करके देख लिया कीजिए, कभी एक बार सुबह क्योंकि कर लीजिए, कभी शाम को, कभी रात को, तो हमारा डेली ये करते जाइए, मसला कभी ना ये कभी है, तो उठेगा। ये एक ऐसा मसला है ये हमारे लखनऊ का। आप जानते हो लखनऊ के अंदर सिया की तादाद ज्यादा है, और चैलम का महीना चल रहा है, वो कल कल तक, तो कल भी मैं थोड़ा मार्केट निकला तो इसके इनके बारे में ज्यादा गाली गलौज की जाती है। तो जब मैंने सोचा गाली गलौज इनके बारे में की जाती है, तो क्यों ना इनकी तहकीक भी कर ली जाए, इनके बारे में क्या मसला है। नहीं, वो आपकी सोच अच्छी है, तहकीक करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज भाई ये भाई अब और रही ऊपर बात से मेरी, अपने ही आलिम में तकरार हो रही है। मैंने यूट्यूब पे कितने मुलाजिर रखे, उमर सिद्दीक कुछ कहते हैं, अपने आलिम कुछ और कहते हैं। भाई देखिए अकीदा जो है हमारा अकीदा मनहज वो सारे का सबका सेम है, ठीक है। लेकिन जो मतलब भाई ये फुरूरी मसाइल हैं इनमें इंसान की अपनी अपनी तहकीक है। देखिए इन सब मसाइल में तो सहाबा में भी इख्तलाफ था, ठीक है। सहाबा का भाई वो अकीदा मनहज बिल्कुल सेम था, लेकिन मसले मसाइल में तो थोड़ा कुछ इख्तलाफ मसले पे था। इख्तलाफ था। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसकी बात को लें। आप भाई आप अपनी भाई वो दोनों की बात को सुनिए, दोनों को भाई वो दलाइल को देखिए, और जिसका आपका भाई मतलब भाई वो दिल से आपके बात आए कि नहीं हाँ भाई ये इनकी बात ज्यादा सही लग रही है, आप उनमें से एक को चूज कर लीजिए और अपनी तहकीक करते रहिए अपना धीरे धीरे।
और अल्लाह से दुआ उर्दू लैंग्वेज पे महारत नहीं है, नहीं तो उर्दू लैंग्वेज पे महारत होती तो थोड़ा मैं खुद ही तहकीक कर लेता, ऐसी बात नहीं। तो बड़े बड़े लोगों की तकरीर सुनाऊं, डॉक्टर जाकिर नायक की, मेरा रब्बानी की। अरे हम समझ गए मेरे भाई, देखिए उर्दू आपको नहीं आती, मुझे भी ज्यादा उर्दू नहीं आती, ठीक है। मैं भी मतलब भाई वो तोड़ मोड़ जोड़ के भाई मैं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब भाई अगर आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो आप उसमें पढ़ लीजिए। देखिए जितनी आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है उसके हिसाब से तहकीक कीजिए। अल्लाह ताला आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम्हें पूरी अरबी की लुगत सीखनी चाहिए थी, ये करनी चाहिए थी। अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है तो आप भाई जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी है उसके हिसाब से तहकीक करके आप फैसला कीजिए। अगर आप भाई वो सही चीज को पा जाएंगे तो भी आपको दोनों की मिलेगी, और अगर आपसे चूक भी हो जाएगी तो भी अल्लाह ताला आपको एक निकी देगा। तो ये सोच के काम कीजिए आप, ये जबरदस्ती ना कीजिए कि नहीं हमें मतलब वो हर चीज जानना ही जानना क्या सही है। और जानने का इतना शौक है तो भाई उर्दू सीखो, अरबी सीखो, ये कोई बात नहीं होती भाई ये सब बहाने। देखिए हम भी, हमें भी उर्दू अरबी भाई वो ठीक से नहीं आती, लेकिन अब हम कहें कि नहीं हमको सब कुछ जानना है, तो भाई जानना है तो हमको भाई वो सीखना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा। सही बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। और रही बात मेरी, तो मेरे भाई देखिए आपका नंबर भाई ये मेरे पास वो सेव तो था नहीं, ठीक है, इसलिए मैं उठा नहीं रहा था। अब मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँ भैया। अबू भाई आपसे मुझे कोई शिकायत भी नहीं, आपसे शिकायत ना नदीम भाई से कोई शिकायत। भाई बात ही बता रहे, इतने लोग फोन करके परेशान करते हैं ना, कभी कदार भाई वो मन नहीं करता भाई, ये मुंह होता है ना मुंह बोल बोल के थक जाता है। अब भाई बताओ अगर डेली भाई 4-4 घंटा फोन पे लोगों से बात करते रहेंगे तो भाई वो कान का क्या होगा, दिमाग का क्या होगा, मुंह का क्या होगा। सही बात, ज्यादा फोन करना भी दिमाग के लिए कभी कभी खराब होता है। अरे कभी कभी नहीं भाई, वाकई लगता है कि भाई वो दिमाग एकदम ऑफ हो जाए। और दूसरी चीज ये कि भाई अपना भी कारोबार देखना है, घर कितने काम है भाई, अब सब कुछ एडजस्ट करके पढ़ना है ना। अब अगला आदमी तो सोचता है कि भाई फोन करें और अप्पू खान को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दें, फंसाना स्टार्ट कर दें। अभी भी मेरे पास एक कॉल आई थी, अभी वो हमसे कह रहा था, वो भाई वो है अप्पू डार्लिंग है, अप्पू डार्लिंग, ठीक है। तो अभी मैंने उसको अप्पू भाई आपको लोगों ने इतना फेमस कर दिया। अरे अभी उसकी इतनी बराई है कि भाई वो जिंदगी भर आज के बाद मेरे को फोन नहीं करेगा। अभी उसकी भी ऑडियो डालेंगे जो वो डार्लिंग कर रहा था, ठीक है, खैर उसकी दिक्कत नहीं। तो भाई आप एक काम कीजिए, ग्रुप ना छोड़िए। देखिए आपको जिस ग्रुप में रहना रहो उससे मतलब नहीं, लेकिन जो हमारे नहीं, अलग अलग नहीं, मैंने मेरा कहने मतलब मेरे पास कुछ ज्यादा ही ग्रुप थे तो मैंने थोड़ा रिमूव कर दिया अपना एक, हमारा खुद क्या करता है इतना अच्छा ग्रुप चलता है कि मेरा खुद के ग्रुप में कम से कम 250 लोग हैं, मैं उसी ग्रुप में काफी ज्यादा लोगों को सवाल जवाब देता हूँ। नहीं नहीं अच्छी बात है। और दूसरी चीज जो हमारा ग्रुप मेरा ग्रुप ये कैसा है, और हमारे मोहल्ले का मसला ऐसा है कि मेरे मोहल्ले का बस वही एक सवाल है यजीद वाला रहमतुल्लाह के बारे में, यही तुम्हारा क्या मनाज है, तुम्हारा क्या सब देवबंदी बरेलवी है, यही मनाज पूछते हैं तुम्हारा क्या मकसद है। अच्छा लखनऊ के हैं क्या सब? जी लखनऊ के अंदर ये सवाल कुछ ज्यादा ही है, लखनऊ के अंदर ये सवाल ज्यादा ही है। नहीं लखनऊ में हम भी रहते हैं, लेकिन ऐसा हमें भाई हमसे कोई नहीं पूछता, हमसे जो पूछता है हम कहते हैं भाई क्या भाई अल्लाह ताला कब्र के अंदर हमसे ये नहीं पूछेगा कि भाई वो यजीद कौन था, अच्छा था या बुरा था, ठीक है। देखिए फालतू चीजों के पीछे भागना ये टाइम वेस्ट करना है, इंसान को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। आपको भी जन्नत चाहिए, हमें भी जन्नत चाहिए, ठीक है। यजीद अच्छा होगा तो अच्छी बात है, बुरा होगा तो अच्छी बात है, मेरे से क्या लेना देना भाई। मेरे से उसकी खुश हो ही ना होगी भाई, हम तो उसके साथ थे ही नहीं, ठीक भाई। जब हम उसके साथ ही नहीं थे ना भाई, वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, तुम कहे उसके बारे में बोले। अफू भाई मसला क्या, हमारे ही आलिमों में मतलब इतना इख्तलाफ हो गया, उमर सिद्दीक और जुबैर अली जई ने कुछ और कह दिया, हमारे दूसरे आलिमों ने कुछ और कह दिया, उसमें इख्तलाफ ये ऐसा इख्तलाफ हो गया कि उम्मत के अंदर की पूछिए ना। नहीं उम्मत के अंदर इख्तलाफ नहीं हुआ है। देखिए जो भी इंसान सहाबा के मनहज पे चलेगा तो जैसे सहाबा में इख्तलाफ था वैसे हमारे आलिम दीन में इख्तलाफ होगा, लेकिन हनफियों में कभी इख्तलाफ हुआ ये बताइए? अब वो बरेलवी हो देवबंदी हो दोनों लोग भाई वो लालच भेजते हैं, हाँ वो यजीद अच्छा था वैसा था। तो ये उमर सिद्दीक का मसला हमारे नहीं समझाया। अरे उमर सिद्दीक साहब की अपनी अपनी अलग तहकीक है, अबू जैद जमी साहब की अपनी अलग है, जलालुद्दीन कासमी की अपनी अलग है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर नायक की अपनी अलग है। देखिए ये तारीखी बात है, आप समझ रहे हैं, तारीखी बात में सबकी अपनी अलग अलग स्टडी होती है, ठीक है। अगर किसी का अकीदा मतलब भाई वो चूक भी हो रहा है
तो भी उसको एक नेकी मिलेगी क्योंकि उसने तहकीक की है भाई। हाँ, वो अपनी भाई भाई वो अपनी तहकीक पेश कर रहा है आवाम के सामने भाई। वो ये तो नहीं कह रहा है कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ मैं ही सही कह रहा हूँ, बाकी लोग जो कह रहे हैं गलत है। सब लोग अपनी अपनी तहकीक पेश कर रहे हैं क्योंकि ये तारीखी एक बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो लोगों ने मतलब इसको इतना फेमस कर दिया है कि नहीं करबला और हर मतलब अगर इस्लाम में करबला ना होता तो इस्लाम जिंदा ना होता, मर जाता। ये सब तो भाई ये सब तो फालतू की बात है ना। ये सब तो ये बरेलवी लोग करबला के मेले में उल्टी सीधी तकरीर करते रहते हैं, उससे क्या लेना देना है भाई। करबला के मेले में अगर तकरीर देना है तो मेरे भाई जो अल्लाह के नबी के जो भाई वो मतलब जो प्यारे भाई वो नवासे थे उनका जो कत्ल हुआ शहीद हुए तो उनका मनहज क्या था भाई। हाँ, जो सही बात, अल्लाह के नबी के जो भाई वो नवासे थे उनका भी मनहज था भाई किताब और सुन्नत। तो पहले उनके मनहज पे तो चलो, बस उनकी शहादत के ऊपर बस वो भाषण दे लो। अरे हमें भी अफसोस है, हमें भी अफसोस है। और हम सीधा कहते हैं कि जिसने भी ठीक है ऐसा मतलब भाई वो घटिया काम किया हो उनको शहीद किया हो अल्लाह की फरिश्तों की उसके ऊपर मतलब वो बेशुमार लालत हो। हम तो कह रहे हैं जी। हम ये नहीं कह रहे कि लालत ना हो, हम कह रहे हैं जो भी असली कातिल हो उसके ऊपर अल्लाह की लालत हो, लालत हो, लालत हो। और अगर आज वो मेरे सामने होता तो कसम से उसकी टांगे फाड़ देता मैं, चाहे वो कोई भी कातिल होता। ठीक नहीं, सही बात, सही बात, मैं तो खुद कहता हूँ सही कह रहे हैं। तो भाई जब हम लोगों ने अपना अकीदा बता दिया है कि भाई जो भी कातिल है हम उसके साथ भाई वो नहीं है, लेकिन कातिल एक्चुअल कौन है इसमें इख्तलाफ है। आधे लोग कह रहे हैं उनका हाथ था, आधे लोग कह रहे हैं नहीं था। तो जब इख्तलाफ है तो इख्तलाफ की बुनियाद पे हम किसी पे भाई वो ना तो फैसला करेंगे ना ही कोई फतवा ठोकेंगे। और भाई हम दूसरी चीज बताइए, जो इंसान भाई भाई वो अब इस समय तो भाई वो है नहीं दुनिया में मौजूद, ठीक उनका भी इंतकाल हो गया। तो अब भाई फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तआला सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह ताला फैसला कर देगा। इसमें उम्मतियों को आपस में नहीं उंगली करना है। अब बताइए एक ही बताइए, अभी भाई वो मतलब भाई ये उनको वो भाई वो लालच करने से गालियां देने से क्या हो जाएगा? इसमें हमारे ईमान की खराबी है। नहीं हो क्या जाएगा मतलब क्या मतलब कुछ नहीं होगा उसमें क्या है, अगर वो अच्छा होगा तो उसके ऊपर गुनाह हम ही को पड़ेगा। नहीं नहीं गाली मतलब किसी को गाली देना लालतान करना जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है जो भाई वो मर चुका है, तो क्या ये इस्लाम में जायज है कि किसी मरे हुए इंसान को गाली दी जाए बुरा भला? नहीं, नहीं, नहीं। सही बुखारी के अंदर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु कहते हैं कि जो वफात पा गए जो मर गए उन्हें बुरा भला ना कहो। ठीक है अब खैर अब मानिए अब भाई वो बुरा भी था मान लीजिए, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है हाँ, सबूत नहीं मिला जी। ठीक है अब देखिए इनके बारे में आता है, यजीद के बारे में आता है ठीक है, कि जब भाई वो मतलब अल्लाह के नबी के भाई वो नवासे को कत्ल किया गया शहीद किया गया, तो जब भाई वो मौका वारदात के बाद जब पहुंचते हैं वहाँ पे एक्चुअल भाई वो जगह पे, तो वो इतना रोते हैं इतना रोते हैं कि उनकी पूरी दाढ़ी भीग जाती है। ठीक जी, तो जी, जी, अगर जी, भाई अगर वो कत्ल करते या उनका हाथ होता तो वो काहे के लिए इतना रोते? सही बात, सही बात। और देखिए अब फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री मोदी है ठीक है, अब वो प्रधानमंत्री है, लेकिन अब भाई वो लखनऊ के किसी गांव में कोई का कत्ल हो जाता है तो हम प्रधानमंत्री को दोषी नहीं ठहराएंगे। हाँ ये कहेंगे कि उनकी सरकार में ऐसा हुआ, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए था। हाँ हाँ लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नहीं उन्होंने खुद आके मारा। तो भाई देखिए अब किसी कोई खलीफा है अगर देखिए इसमें बीच वालों ने फायदा उठाया ठीक है, अली रजी अल्लाह ताला अनु को तीन बातें कही गई, उनमें से एक बात भाई ये थी कि या तो हमें भाई वो हम जहाँ से वापस आए वहाँ से जाने दो। उन्होंने तीन बातें तारीख की रिवायतों में है कि तीन बातें कही, मुझे या तो जिहाद पे जाने दो, या तो मुझे मदीना लौट जाने दो, या तो मुझे यजीद अमीरुल मोमिनीन के पास जाने दो। हाँ और ये तीनों बातों पे भाई वो तैयार थे एग्री थे, लेकिन अब जो भाई वो लोग हाँ बीच वाले जो मतलब भाई वो कपटी लोग थे मुनाफिक लोग थे खर्जी लोग थे, उन्होंने सोचा यार यहाँ तो मामला खराब हो रहा है ठीक, तो उन्होंने जबरदस्ती धोखे से उनको कत्ल कर दिया। तो हमें भी अफसोस है मेरे भाई। और ये लोग जो कहते हैं ना करबला की जंग करबला की जंग, तो पहली चीज तो भाई ये जंग थी नहीं। हाँ ये जंग ये जंग नहीं थी, तो सारे ग्राम बैठते नहीं सुकून से। नहीं सुकून से नहीं, पहली चीज तो भाई एक चीज बताइए अगर जंग होती तो क्या जंग में कोई अपनी औरतों को बच्चों को लेके जाएगा क्या, ये बताइए आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
तो ये सब बातें सोचनी पड़ती है ना। लेकिन अब ये है, अब लेकिन उलमाओं की इंसान को खतरनाक, इतना बदनाम कर दिया गया है कि पूछिए मत। भाई यही बता रहे भाई। देखिए हमारा अकीदा साफ बात हम बता दे रहे हैं, जो मेरा अपना अकीदा है, मैं ना भाई मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, ना मैं उनकी तारीफ करता हूँ, ना मैं उनको गाली देता हूँ, ना मैं उनपे लालच भेजता हूँ। ठीक, जब जी जी इतना जी बड़ा इख्तलाफ भाई किसी एक आदमी के ऊपर है, तो मेरे भाई ना मैं उसको अच्छा कहूंगा पब्लिक के अंदर, ना मैं उसको पब्लिक के अंदर गालियां दूंगा, और ना ही पब्लिक के अंदर उसके ऊपर लालच भेजूंगा। उसका मामला जी अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ताला खुद कुरान में भाई ओपन कहता है कि जो कौमें तुमसे पहले बीत गई हैं उनके बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। नहीं ठीक है, तो होगा जो कौमें हमसे पहले बीत गई हैं भाई, वो अल्लाह ताला बैठा है हिसाब करने ना, अल्लाह ताला तो है ही ना। हाँ, जी अगर बिल्कुल बिल्कुल अगर किसी का कीदा ये हो कि अल्लाह है ही नहीं, अब जो हिसाब करना है हमी को करना है दुनिया में, तो फिर आराम से करते रहो। लेकिन मेरा ईमान तो जी है जी कि अल्लाह सुबहानहु ताला है, और अल्लाह ताला बेहतर फैसला करने वाला है। तो हमें इसमें उंगली नहीं करनी है कील काल, क्यों करें ऐसे मसले में भाई, इससे क्या मिल जाएगा। अच्छा मानिए भाई, वो यजीद को अच्छा अगर आपको भाई ये बताइए, ये बुखारी की हदीस है किताब जिहाद वाली, इस पे कुछ लोग कहते हैं कि उनका वो पहले लश्कर कमांडर थे ठीक, और कुछ लोग कहते नहीं थे, इसका मसला क्या है? अरे भाई देखिए, हम क्या करें, ज्यादा डीप में ना जाइए। हम सीधी बात कहते हैं कि अगर कोई इंसान मेरे सामने ये साबित भी कर देता है कि हाँ वो कातिल थे, या उन्होंने कत्ल करवाया, या उनका हाथ था कत्ल करने में, चलिए ठीक है, हम जी बहस के तौर पे मान लेते हैं। अब हम उनसे कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर कत्ल किया है तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं, ठीक, जी तो मैं बिल्कुल अपने अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ देता हूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर उन्होंने कत्ल किया है या उनका हाथ कत्ल में है, तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डाल। मैं फौरन दुआ जी पढ़ जी दूंगा अगर किया जी है तो, और अगर अल्लाह ताला जी नहीं किया है तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में डाल। भाई इतना ही तो जी हम कर सकते हैं ना। अब उसके पीछे जी लड़, भाई पहली चीज तो ये टॉपिक जो है ना, ये भाई ये बीच में अंग्रेजों ने डाला हुआ है जबरदस्ती का, आप समझ रहे हैं, सैकड़ों सालों से ये अंग्रेजों ने बीच में डाल दिया है। इससे पहले कोई किसी को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि इस्लाम में इतनी शहादतें हुई हैं भाई, किसी किसी एक ही होता है, उमर रजी अल्लाह तआला अनु को फजर की नमाज में भाई खंजर मार दिया गया। ठीक, जी 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 तो जी जी जिसने मारा उसके ऊपर तो लालच आज तक कभी कोई भी तकरीर में नहीं हुई, उनका नामो जी भाई वो नामो निशान नहीं है। ना वो ये बात सही कह उस्मान रहे हैं रजी आप। अल्लाह तआला अनु को दाढ़ी पकड़ के गिरा के शहीद कर दिया गया। ठीक है, तो जिसने शहीद किया उसके ऊपर तो कभी भी साल में पूरे पूरे भाई वो 10 दिन उसके ऊपर तो भाई कोई भी लालच भाई नहीं भेजता है। जी तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल खाली इस बात पे क्यों, आप बात समझ रहे हैं, लालच जी भेजना है तो सब पे भेजिए कि जिसने हमारे खुलफा राशिदीन को शहीद किया, जिसने हमारे अच्छे नेक मतलब भाई वो सहाबा को भाई वो शहीद किया। ठीक है, और अल्लाह अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो भाई वो शहीदों के जो सरदार है, वो भाई वो मेरे चचा हमजा रजी अल्लाह तआला अनु है। ठीक है, जी जी हमजा रजी अल्लाह तआला अनु का भाई वो दिल भाई वो निकाल लिया जाता है, कलेजा निकाल लिया जाता है। कलेजा निकालिया था ठीक है, जी। तो भाई उनका जो कलेजा निकालता है उसके ऊपर कोई लाल तान नहीं। अरे उनके ऊपर 10 दिन करो ना, तो हम भी साथ दें। क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह के नबी ने बता दी फजीलत कि भाई वो सबसे बड़े शहीद है। लेकिन यही करबला को क्यों मौजू बनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों का पेट भर है। अब आएंगे पेट करबला की भरे तकरीर सुनेंगे तो बिरयानी पुलाव जर्दा मीठा खिचड़ा पता नहीं क्या क्या मिलेगा, तो हाँ पेट ये बात भरने को सही कहा, मांगते हैं सही ना। कहा है जी, तो अपने को सही कहा नहीं पढ़ना है इसमें भाई, हम कह रहे हैं किसी की तहकी क्या है क्या नहीं है, इससे हमारी ना तो जन्नत भाई हमको मिल जाएगी भाई, उनको कातिल भाई वो बता के ना तो हमको जन्नत मिल जाएगी, ना उनको निर्दोष साबित करके हमको जन्नत मिल जाएगी। हमें क्या करना भाई, सबने सही अपनी कहा अपनी ये बात तहकीक सही। पेश कर दी है, जिसकी जो मर्जी हो उसको ले, जिसको ना मर्जी हो ना ले। हमारा अकीदा ये कि हम सुकून इख्तियार करते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। ठीक है, हमसे पहले जो कौमें बीत गई हैं अल्लाह उनका फैसला करने वाला है, हमें उंगली नहीं करना है, ना हम किसी के फट्टे में हाथ डालते हैं। हमें अपनी आगे की लाइफ देखनी है कि अब हम क्या करें भाई, हमारी नमाज अल्लाह के नबी के तरीके पे कैसे हो जाए, हमारा दीन जो है वो हमारे घरों में कैसे आ जाए, हम 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने वाले कैसे बन जाए, हम सूद से हराम से शराब से बचने वाले कैसे बन जाए, हमारे घरों में जो भाई ये टीवी चल रहा है, जिनाखोरी हो रही है, नंगे नाच हो रहे हैं, इनको कैसे रोकें, इस पर मेहनत करनी है हमें। हमें ये यजीद जी कौन था नहीं था मेरे भाई, नहीं पढ़ना है। अल्लाह ताला ने भाई हमको जिंदगी दी, अल्लाह ताला एक 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 मिनट का हिसाब लेगा, एक एक सेकंड का हिसाब लेगा कि कहाँ सही तुमने कह अपना टाइम सही लगाया। अब हम यजीद के ऊपर ही सारी जिंदगी अपनी लगा देंगे
कि वो अच्छा था वो बुरा था, तो भाई क्या होगा, हमें नहीं पढ़ना लफेड़े में भाई। ये सब आलिम दीन, देखिए कुछ काम होते हैं जो भाई वो खुसूसन आलिम दीन के होते हैं, आवाम को उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए, ये सब आलिम दीन के स्कॉलर्स के काम है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया है, सलाहियत दी है कि वो हाई फाई लोग हैं, वो लोग अपनी तहकीक भाई अपनी तहकीक कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तारीखी हवाले